महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक टल गई है। वहीं अब एक बार फिर पटना में विपक्षी दलों की बैठक टलने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, विपक्षी गठबंधन एक्सप्रेस पटना से बंगलौर भी नहीं पहुंच सकी, दूल्हे का नाम आते ही बाराती गायब होना शुरू। वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में दूल्हे और बाराती का पता नहीं था, सभी एक दूसरे के सिर पर कुछ न कुछ पहनाने का काम कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि देश की जनता 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किए हुए है। वहीं डिप्टी सीएम ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतकर देश का नेतृत्व करेंगे। मैंने नहीं दूल्हा कहा है, दूल्हा तो राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखिया श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी दलों के नेताओं का जो गठबंधन था, जो पटना की बैठक थी, उस बैठक में जो दूल्हा कहा गया, मैं उसके क्रम में ट्वीट किया था कि दूल्हा भी का पता नहीं है और बराती का भी पता नहीं है, सब एक दूसरे के सर पर कुछ ना कुछ पहनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 2024 देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम करके रखा हुआ है, और तीसरी बार 2014-2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनेगी, और आम जनता ने ये तय कर लिया। बता दें कि बीती 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले साझा रणनीति बनाना था। विपक्षी बैठक में लालू प्रसाद यादव के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे जैसे कई कद्दावर नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा कि हम सभी आपकी शादी में बाराती बनेंगे। लालू प्रसाद यादव का ये चुटीला अंदाज राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी से जोड़ा गया। अब इस बैठक में ही तय किया गया था कि अगले महीने होने वाली दूसरी बैठक में, यानी कि जून में होने वाली दूसरी बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने वाली भी थी। पिछली बैठक में एक साथ चलने पर सहमति बनी थी। इसके बाद अगली बैठक में तय होना था कि कौन कहां से लड़ेगा। पहले शिमला में 12 जुलाई को दूसरी बैठक तय की गई थी। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम 12 जुलाई को शिमला में फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम एक सामान्य एजेंडा तैयार करेंगे। हालांकि बाद में मीटिंग की तारीख और स्थान में बदलाव हो गया था। शरद पवार ने कहा था कि बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। वहीं अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की बैठक भी टल गई है। अब ये बैठक 17-18 जुलाई को होगी। बहरहाल महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष में चौतरफा उठा ये सियासी भूचाल कब और कहां जाकर थमता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के अलावा बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।